नमस्ते क्रिएटर्स, चलिए एडसेंस के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा टूल है जो आपके अपने YouTube चैनल से पैसा कमाने में मदद करेगा, या हम जानेंगे कि YouTube क्रिएटर्स एडसेंस इस्तेमाल कैसे करते हैं, YouTube पर पेमेंट पाने के लिए एडसेंस अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं, सेटअप करने के बाद एडसेंस पर कैसे नेविगेट करते हैं। तो चलिए इस विषय के बारे में और ज़्यादा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि YouTube क्रिएटर्स एडसेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एडसेंस अकाउंट बनाना और उसे लिंक करना YouTube पार्टनर कार्यक्रम या YPP में शामिल होने की शर्तों में से एक है। YPP के हिस्सा बन जाने पर आपको एडसेंस अकाउंट के जरिए पेमेंट मिलती है। एडसेंस यूट्यूब से अलग एक गूगल प्रोडक्ट है। ये लोगों और कंपनियों को वेबसाइट पर एड्स या विज्ञापन चलाने और पेमेंट पाने में मदद करता है। YouTube क्रिएटर्स के लिए ये मुख्य रूप से पेमेंट पाने का टूल है। कमाई पाने के लिए आपके पास ये अकाउंट होना ज़रूरी है, भले ही ये कमाई आपके वीडियो पर चलाए गए ऐड से हो या YouTube प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स या और किसी चीज़ से हो। चलिए अब जानते हैं कि एडसेंस अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं। YouTube पार्टनर कार्यक्रम या YPP की शर्तें पूरी करने के लिए हम आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाने और कनेक्ट करने के लिए कहेंगे। ये आवेदन की प्रक्रिया का एक नया चरण है। ध्यान दें, अगर आप अभी YouTube पार्टनर कार्यक्रम के लिए आवेदन करने योग्य नहीं हैं, तो आप एडसेंस अकाउंट तब तक ना बनाएं जब तक आप शर्तें पूरी नहीं कर लेते। जब आप YouTube पार्टनर कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए तैयार हैं, तब एडसेंस अकाउंट बनाएं और उसे अपने चैनल से लिंक करने के लिए इन चरणों का पालन करें। सबसे पहले डेस्कटॉप पर YouTube स्टूडियो में साइन इन करें, फिर बाय मेन्यू में मोनेटाइजेशन पर जाएं। यहां से आपको आवेदन करना है। इसके बाद YouTube पार्टनर कार्यक्रम की शर्तें स्वीकार करें। अब साइन अप फॉर गूगल एडसेंस कार्ड पर स्टार्ट पर क्लिक करें। इसके बाद वो गूगल सेटअप चुनें जो आप एडसेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दें, अगर आप एडसेंस का इस्तेमाल YouTube से बाहर करते हैं और पहले से ही वो एक मंजूर किया गया अकाउंट है, तो आपको उसी गूगल अकाउंट से साइन इन करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है या नहीं, तो आई डोंट नो या मुझे नहीं पता चुनें और प्रक्रिया पूरी करें। अगर आपके पास पहले से ही एडसेंस अकाउंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नया अकाउंट ना बनाएं, वरना आपके एप्लीकेशन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। ध्यान दें, आप एक एडसेंस अकाउंट से कई चैनल लिंक कर सकते हैं। एडसेंस में पहुंचने के बाद अगर आप नया अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, आपको साथ साथ अपना एड्रेस भी देना होगा। सबसे ज़रूरी है अपने पेमेंट का एड्रेस देना और पेमेंट पाने वाले का सही नाम डालना, क्योंकि हम एडसेंस सेटअप के दौरान कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स भेजते रहते हैं। पूरी जानकारी डालने और उसे चेक करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। फिर आप YouTube स्टूडियो में पहुंच जाएंगे, जहां आपको मैसेज मिलेगा कि आपका सबमिशन हमें मिल गया है। इन चरणों को पूरा होने के बाद आपको साइन अप फॉर गूगल एडसेंस कार्ड के नीचे एक पुष्टि करने वाला मैसेज दिखेगा कि आपका अकाउंट मंजूर हो गया है। एडसेंस अकाउंट सेटअप और मंजूर हो जाने और YouTube पार्टनर कार्यक्रम में आपका अकाउंट स्वीकार किए जाने के बाद पेमेंट पाने के लिए आपको कुछ अन्य चरणों का पालन करना होगा। एडसेंस में पेमेंट पाने के लिए आपको टैक्स से जुड़ी अपनी जानकारी देनी होगी, अपनी निजी जानकारी की पुष्टि करनी होगी, आपको पेमेंट का तरीका चुनकर सेटअप करना होगा और पेमेंट थ्रेशहोल्ड या पेमेंट की सीमा पर पहुँचना होगा। चलिए एक एक करके इन सभी चरणों को देखते हैं। सबसे पहले अपने टैक्स की जानकारी देना। एडसेंस में उस गूगल अकाउंट में साइन इन करें जिससे आपने पहले ही साइन इन कर रखा है। पहले पेमेंट्स, फिर मैनेज सेटिंग्स में जाएं, फिर पेमेंट्स प्रोफाइल तक स्क्रॉल करें और यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो के आगे एडिट पर क्लिक करें और फिर मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करें। ध्यान दें, YouTube पर कमाई करने वाले सभी क्रिएटर्स के लिए टैक्स की ये जानकारी देना जरूरी है, भले ही उनकी लोकेशन कुछ भी हो। इसके बाद टैक्स की जानकारी का सही फॉर्म भरने के लिए आपको एक एक करके सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि कौन सा फॉर्म भरना है, तो टैक्स एडवाइजर से संपर्क करें। आगे आपको अपनी निजी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। अपनी निजी जानकारी की पुष्टि करने का तरीका दो हिस्सों में समझा जा सकता है। अपने पेमेंट एड्रेस की पुष्टि करना, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, और अपनी पहचान की पुष्टि करना, जिसकी ज़रूरत बस कुछ मामलों में होती है।
चलिए सबसे पहले आपके पेमेंट की पुष्टि के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ तब तक होगा जब आपकी कमाई पेमेंट थ्रेशहोल्ड या सीमा पर पहुंच जाएगी। ये सीमा 10 यूएस डॉलर या आपके देश में चलने वाली करेंसी के बराबर की रकम होगी। जब आप इस थ्रेशहोल्ड पर पहुंच जाएंगे तो हम आपको 6 डिजिट वाला पिन नंबर भेजेंगे। आपकी पेमेंट एड्रेस पर पिन नंबर आने में आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, पर लोकेशन के हिसाब से इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। पिन आने के बाद आपको उसे पेमेंट फिर वेरिफिकेशन चेक में जाकर उसे एडसेंस अकाउंट में डालना होगा। अगर 4 हफ्ते के बाद भी आपका पिन नंबर नहीं आता तो फिर से चेक करें और अपने अकाउंट की जानकारी और पेमेंट का एड्रेस सही डालें। ज़रूरत पड़ने पर आप पेमेंट फिर सेटिंग में जाकर बदलाव कर सकते हैं। अगर आपकी दी गई सभी जानकारी सही है लेकिन पिन नंबर नहीं आया तो आप एडसेंस फिर पेमेंट और वेरिफिकेशन चेक में जाकर उसे फिर से भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार पिन का अनुरोध कर सकते हैं और पिन आने के बाद इसके जनरेट होने की तारीख से 4 महीने के अंदर अकाउंट में डालना होगा। 4 महीने के बाद आपके चैनल से होने वाली कमाई अकाउंट की पुष्टि होने तक रोक दी जाएगी। अगर आपको पिन मिलने में अभी भी समस्या आ रही है तो एडसेंस सहायता केंद्र में एड्रेस पिन वेरिफिकेशन लेख देखें या मदद के लिए क्रिएटर सपोर्ट टीम को संपर्क करें। चलिए अब आपकी पहचान की पुष्टि करने के बारे में जानते हैं। ये आपकी निजी जानकारी की पुष्टि करने का एक नया चरण है। पहचान की पुष्टि की ज़रूरत बस कुछ ही देशों में पड़ती है, लेकिन अगर आपके लिए पहचान की पुष्टि करना ज़रूरी है तो आपको ऐसे अपने पेमेंट के एड्रेस की पुष्टि करने से पहले करना होगा। आपको अपनी पहचान की पुष्टि के लिए अपनी जानकारी जैसे कि अपना नाम, एड्रेस या जन्मदिन की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपकी पहचान की पुष्टि ज़रूरी है तो आपको इसके बारे में एक ईमेल मिलेगा। आपको YouTube स्टूडियो में भी एक मैसेज दिखेगा कि ये चरण पूरा करना है। ये कैसे करना है इसका निर्देश आपको AdSense अकाउंट के पेमेंट सेक्शन में दिखेगा। याद रखें, अगर आप 45 दिनों के अंदर पुष्टि की प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो आपके चैनल पर कमाई रोक दी जाएगी। फिर आपको अपने पेमेंट का तरीका चुनकर सेटअप करना होगा। ऐसे करने के लिए आपको सबसे पहले पेमेंट का तरीका चुनने के थ्रेशहोल्ड पर पहुंचना होगा। ये अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए 10 यूएस डॉलर है, लेकिन ये रकम देश और करेंसी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। पेमेंट का तरीका चुनने का थ्रेशहोल्ड देखने के लिए सहायता केंद्र में पेमेंट थ्रेशहोल्ड लेख देखें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थ्रेशहोल्ड पार करने के बाद आप पेमेंट का तरीका चुन सकते हैं। पेमेंट एड्रेस के आधार पर आप चेक, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या वायर ट्रांसफर जैसी कोई विकल्प चुन सकते हैं। आपका पेमेंट का तरीका सेटअप करने के लिए एडसेंस में जाएं, फिर पेमेंट्स के अंदर मैनेज पेमेंट्स मेथड और ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करें। आखिर में आपको पेमेंट पाने के लिए पेमेंट सीमा या थ्रेशहोल्ड पर पहुंचना होगा। पेमेंट थ्रेशहोल्ड आपके अकाउंट बैलेंस की वो रकम है जिस तक पहुंचने के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी। ये सीमा अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए 100 यूएस डॉलर्स है। हालांकि ये रकम देश और करेंसी के हिसाब से अलग होती है। पेमेंट पाने की सीमा या थ्रेशहोल्ड देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई सहायता केंद्र का लेख देखें। चलिए एक बार रिकैप करते हैं कि पेमेंट पाने के 4 चरण क्या हैं। अपने टैक्स से जुड़ी जानकारी देना, अपनी निजी जानकारी की पुष्टि करना, अपने पेमेंट का तरीका चुनना और सेटअप करना, और पेमेंट सीमा या थ्रेशहोल्ड पर पहुंचना। याद रखें, इन चरणों को पूरा होने में कुछ समय लग सकता है। अगर आप पेमेंट सेटअप करने की प्रक्रिया में अपनी प्रगति देखना चाहते हैं तो आप YouTube स्टूडियो के मोनेटाइजेशन टैब में जाकर किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। अब जब आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं तो चलिए आपके AdSense अकाउंट के बारे में और जानते हैं। पहली बार साइन इन करने पर आप YouTube के लिए AdSense होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको अपनी YouTube अर्निंग्स का स्नैपशॉट दिखेगा और YouTube एनालिटिक्स में जाने का विकल्प मिलेगा। यहां कमाई से जुड़ा डेटा बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। अपनी कमाई में आपको अपना बैलेंस और लास्ट पेमेंट दिखेगा। आपके AdSense अकाउंट के बैलेंस में YouTube से हुई उन सभी कमाई दिखाई जाती है जिनकी पेमेंट अभी नहीं हुई है और ना ही उनमें से टैक्स या कोई और कटौती की गई है। आपकी कमाई को आपके बैलेंस में अगले महीने की 7 से 12 तारीख के बीच जोड़ा जाएगा।
उदाहरण के लिए, अगर आप अमेरिका में हैं और जून महीने में आपकी कमाई $100 हुई है, तो आपके AdSense बैलेंस में वो 7 से 12 जुलाई के बीच दिखेगी। पिछला पेमेंट बताता है कि सभी तरह की कटौती के बाद आपको पिछली बार कितनी कमाई की गई थी। कमाई की गई रकम की पेमेंट मौजूदा महीने की 21 से 26 तारीख के बीच की जाती है। ये पेमेंट तभी तक होती है जब आपका कुल बैलेंस पेमेंट थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाए या पिछला कोई भी पेमेंट ना रोका गया हो। याद रखें कि आपकी पेमेंट हो जाने के बाद आपका बैलेंस रीसेट हो जाता है। आपको पेमेंट कैसे किया जाएगा इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सहायता केंद्र के लेख का लिंक देखें। होम पेज के अलावा पेमेंट्स टैब में कई अहम जानकारी हैं जो एक YouTube क्रिएटर के रूप से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आपको अपनी पेमेंट की जानकारी दिखेगी और आप पेमेंट सेटिंग भी मैनेज कर सकते हैं। याद रखें, साल 2022 की शुरुआत से YouTube से होने वाली कमाई एक अलग YouTube पेमेंट अकाउंट में दिखनी शुरू हो जाएगी। इस बदलाव से पहले की कमाई का इतिहास देखने के लिए पेमेंट पेज पर अकाउंट के ड्रॉप डाउन मेन्यू से AdSense अकाउंट चुनें। AdSense के बारे में ज़्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।